ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लंबे समय प्रदेश की वर्तमान गहलोत सरकार और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते आ रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किसानों की बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जनसभा को संबोधित किया। सांसद बेनीवाल ने किसानों को 8 घंटे बिना ट्रिपिंग बिजली देने की मांग के साथ ही करंट से मरने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग को भी उठाया है। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद हनुमान बेनीवाल एक रैली के साथ पंचशील स्थित डिस्कॉम मुख्यालय पहुंचकर घेराव किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले गहलोत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिन में 6 घंटे और रात को 5 घंटे बिजली देने का किसानों से वादा किया था, लेकिन किसानों को ट्रिपिंग पर 4 घंटे बिजली मिल रही है। बेनीवाल ने कहा कि पाला पड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे वक्त में किसानों को बिजली की आवश्यकता है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार से हमारी मांग है कि 8 घंटे बिना ट्रिपिंग के किसानों को बिजली दी जाए। इसके साथ ही राजस्थान में नए GSA बनाया जाए और आमजन को भी 24 घंटे बिजली मिले। बेनीवाल ने कहा कि जिन किसानों के खिलाफ VCR की कार्रवाई की गई, उनका तुरंत निस्तारण हो। वहीं प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुके RPSC की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल उठाते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी अमित ठाकुर देवाराम के परिजन की कोचिंग में पार्टनरशिप होने की संलिप्तता सामने आई है। रीट प्रकरण में मंत्री सुभाष गर्ग और तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली का नाम सामने आया था। इसके बावजूद सरकार CBI जांच नहीं करवा रही है। कांग्रेस सरकार के साथ साथ BJP पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि वह पेपर लीक मामले में लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर BJP चाहती तो ED और CBI जांच करवा सकती थी। इसके साथ ही बेनीवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि मैं हाईकोर्ट से आग्रह करता हूं, ऐसे मामलों में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश का 35 लाख नौजवान सरकार की ओर देख रहा है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सचिन पायलट की पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें मेरी तरह बाहर आकर सड़कों पर लड़ना चाहिए। सांसद बेनीवाल ने कहा कि पायलट पेपर लीक प्रकरण का मुद्दा उठा रहे हैं, पायलट इस बारे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्यों नहीं कहते हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।